नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जीतन राम मांझी के खेमे को 2 मंत्री पद की बिहार कैबिनेट में उनकी मांग थी, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन बिहार की राजनीति में एक और नया सियासी भूचाल आया है, जिसमें कैबिनेट विस्तार में 21 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर के एससी ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इस बीच आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, जिनके बेटे संतोष सुमन आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं, उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि उनको 2 मंत्री पद नहीं दिए जाते हैं तो वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आपको इस बीच बता दें कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरीके से जो बयान दिया है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार में अब महागठबंधन का खेमा कहीं ना कहीं खुश होता नजर आ रहा है, तो इंडिया एनडीए गठबंधन में यहां पर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हाजीपुर सीट समेत तमाम 4 सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति बना ली है। बीते दिनों दिल्ली में हुई जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में चिराग पासवान ने 4 सीटों को लेकर यह ऐलान कर दिया कि मेरी सहमति बन गई है, और हाजीपुर सीट जहां से रामविलास पासवान सांसद बनकर आए थे, वहां से चिराग पासवान अब लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हाजीपुर हमारी प्राथमिकता वाली सीट रही है, और यदि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में यहां पर किसी तरीके से भी सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बना पाती है तो हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आपको बता दें दर्शकों कि जिस आधार पर बिहार की सियासत में बीते कुछ दिनों में सियासी उलटफेर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद ही असहज महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने जो जन विश्वास रैली की थी, उसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ कर आई। उस रैली के माध्यम से यहाँ पर तेजस्वी यादव ने ये जो है संदेश देने की कोशिश की कि आने वाला वक्त बदलाव का हो सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी, पशुपति पारस समेत तमाम वो नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जेडीयू के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, आगामी वक्त में क्या बगावती सुर अपनाने वाले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।